नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर लेकर आए हैं। पाकिस्तान, जो हमेशा से भारत के खिलाफ खड़ा रहा है और हमसे अक्सर विवादित मुद्दों पर उंगली उठाता रहा है, ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 8 साल के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश आने का निमंत्रण भेजा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण घटना के पीछे की कहानी को विस्तार से समझते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान ने आखिरकार क्यों मोदी जी को बुलाया और इस निमंत्रण के क्या मायने हो सकते हैं। तो दोस्तों, मोदी जी ने भी हिम्मत दिखाते हुए बिना डरे पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा अब पाकिस्तान ने बुलाया है तो एक बार देखते हैं कि क्या बात है, वो क्या चाहते हैं। वैसे तो दोस्तों, अब लग रहा है कि खेल बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो खुद बुलावा भेजा है। अब मोदी जी जाएंगे तो क्या गुल खिलाएंगे, यह देखना बाकी है। उम्मीद है कि इस मुलाकात से कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। कौन जानता है, शायद पुराने गिले शिकवे मिट जाएं और कुछ नया सिलसिला शुरू हो जाए। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता दे दिया है। यह सुनकर तो सब चौंक गए हैं, क्योंकि ऐसा मौका 8 साल बाद आया है जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को बुलावा भेजा गया है। अब हुआ यूं कि शहबाज शरीफ ने शंघाई सहयोग संगठन SSSU के बाकी लीडर्स के साथ साथ मोदी जी को भी न्योता दे दिया है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान इस साल SSSU की अध्यक्षता कर रहा है, और इसी के तहत अक्टूबर के 15 से 16 तारीख को पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट CHG की मीटिंग होनी है। यह जो पाकिस्तान ने मोदी जी को बुलावा दिया है ना, इसकी बड़ी गहरी कहानी है। देखो, पिछले 8 साल से दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग बंद ही थी। कश्मीर का मसला, सीमा पर तनाव, आतंकवाद, इन सब ने हालात को और खराब कर दिया था। पाकिस्तान में भी अलग अलग प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन बात बन नहीं पाई। अब जब शहबाज शरीफ ने अचानक मोदी जी को बुलावा भेजा तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। एक तो यह कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत कंगाली के कगार पर खड़ा है, IMF से उधारी लेकर जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। दूसरी बात, दुनिया के मंच पर भी पाकिस्तान की इमेज थोड़ी कमजोर हो गई है। ऐसे में उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर पड़ोसियों से रिश्ते सुधार लिए जाएं तो शायद कुछ फायदा हो जाए। और हाँ, ACO का मामला भी है। चीन और रूस तो चाहते हैं कि उनके दोस्त एक साथ मिलकर काम करें, तो पाकिस्तान पर भी दबाव है कि वह रिश्तों में सुधार लाए। इसी दबाव और जरूरत के चलते शहबाज शरीफ ने सोचा, चलो एक बार कोशिश करते हैं, और मोदी जी को न्योता दे दिया। अब मोदी जी भी जानते हैं कि यह वक्त रिश्ते सुधारने का हो सकता है। वह भी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान सच में रिश्ते सुधारना चाहता है या फिर यह सब सिर्फ दिखावा है। इसीलिए मोदी जी ने भी बिना डरे पाकिस्तान जाने का मन बना लिया। अब देखना ये होगा कि इस मुलाकात में क्या क्या होता है। क्या पुराने मतभेदों को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत होगी, या फिर वही पुरानी बातें दोहराई जाएंगी। दोनों देशों की आवाम भी यही चाहती है कि रिश्ते सुधरे, क्योंकि आखिरकार हम सब इंसान हैं और अमन चैन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो तैयार रहो भाई, बड़ी दिलचस्प घड़ी आने वाली है। दोनों मुल्कों के रिश्तों में यह एक नया मोड़ हो सकता है। क्या पता आने वाले समय में हम लोग एक नए दौर की शुरुआत देखें। सबसे पहले तो यह समझो कि पाकिस्तान की हालत अंदरूनी तौर पर भी कुछ खास ठीक नहीं है। वहाँ की राजनीति में भी खींचतान चल रही है। शहबाज शरीफ खुद भी काफी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आर्थिक संकट, आतंकवाद और आंतरिक विवादों के बीच फंसे हुए हैं। ऐसे में वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं। जब उन्होंने मोदी जी को बुलाया तो इसका मतलब यह भी है कि वह दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं और शांति का पक्ष लेते हैं। अब मोदी जी के पाकिस्तान जाने के फैसले पर नजर डालें तो वह भी खाली नहीं है। हमारे मोदी जी ठहरे कूटनीति के खिलाड़ी, वह जानते हैं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाए तो इससे भारत की छवि एक शांति समर्थ देश के रूप में और मजबूत होगी। साथ ही यह पाकिस्तान के लिए भी एक संकेत है कि अगर तुम आगे आओगे तो हम भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन अगर चालबाजी करोगे तो हमें पीछे हटने में भी देर नहीं लगेगी। एक और बात, मोदी जी का पाकिस्तान जाना एक मजबूत संदेश भी है कि भारत अपने पड़ोसियों से दोस्ती की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह कदम दुनिया को भी बताता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अब अगर दोनों देशों के बीच यह बातचीत सफल रही तो सोचो
कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सीमा पर तनाव कम हो सकता है, व्यापार फिर से शुरू हो सकता है और सबसे बढ़कर दोनों देशों के लोगों के दिलों में जो दूरी है वह भी कम हो सकती है। लेकिन हाँ, यह भी याद रखना जरूरी है कि इतिहास गवाह है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। यह मुलाकात भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। इसके लिए निरंतर प्रयास और भरोसे की जरूरत होगी। बात तो इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। पाकिस्तान का मोदी जी को बुलावा देना और मोदी जी का पाकिस्तान जाने का फैसला लेना, यह दोनों ही चीजें कूटनीति के खेल में बहुत गहरी चालें हैं। वैसे हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में महंगाई सातवें आसमान पर है। सब्जियों से लेकर आटा चावल तक के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज टमाटर तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी आदमी की जेब में जा रहे हो। लोग कह रहे हैं कि प्याज टमाटर खरीदने से अच्छा है घर बैठकर रो लो, कम से कम आंसू तो बचेंगे। गैस और बिजली के बिल भी लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। पहले ही बिजली का आना मुश्किल था और अब जब आती है तो बिल देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। सिलेंडर की कीमतें भी ऐसे बढ़ रही हैं जैसे कोई रेस लग रही हो और इसमें सबसे तेज भाग रहा है महंगाई। और दोस्तों, खाने पीने की चीजों की तो बात ही मत करो, आटा चीनी दाल सबके भाव ऐसे हैं जैसे सोने चांदी की दुकान पर बैठे हों। लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। कुछ लोग तो मजाक में कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो हम एक दिन रोटी की जगह हवा खाकर ही पेट भर लेंगे। और यह हालात सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, छोटे दुकानदार किसान मजदूर सब बुरी तरह परेशान हैं। बाजारों में रौनक गायब हो गई है, छोटे मोटे धंधे ठप पड़ रहे हैं, मजदूरों को काम बड़ी मुश्किल से मिल रहा है और जिन्हें काम मिल भी रहा है उन्हें मेहनताना इतना कम मिल रहा है कि दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास ना नौकरी है ना कोई काम धंधा। हालत यह है कि पढ़े लिखे नौजवान भी सड़कों पर नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, मतलब कि पाकिस्तान का बहुत बुरी हालत हो गई है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी जी पाकिस्तान जाने का फैसला सही है या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।